हाय, मैं तुषार कपूर बोल रहा हूँ और मैं अपनी अगली फिल्म मारीच में एक इंस्पेक्टर राजीव दीक्षित का किरदार नमस्कार, मेरा नाम सीरत कपूर है और मैं मारीच फिल्म में रीना का कैरेक्टर निभा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है बिकॉज मेरी बॉलीवुड में डेब्यू हो रही है। हाय, मेरा नाम शैलशा है और मैं मारीच में लीसा का किरदार निभा रही हूँ। मारीच आपके नजदीकी सिनेमा घरों में इस शुक्रवार को आ जाएगी, जरूर देखिए। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम है मनवीर सिंह। फिल्म मारीच में मैंने जेमी का किरदार निभाया है। इस फिल्म के निर्देशक हैं ध्रुव लाठेर। 9 दिसंबर को यह फिल्म आपके पास के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव लाठेर है, मैं आपके शहर करनाल से हूं। इस शुक्रवार को मेरी फिल्म मारीच सिनेमाघरों में आ रही है, जिसे मैंने खुद डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नसीरुद्दीन शाह, तुषार कपूर, नीता सरनानी, राहुल देव जैसे अभिनेता हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। आपके नजदीकी सिनेमा घरों में 9 दिसंबर को एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है मारीच। लेकिन असल में कौन है मारीच, ये तो आपको सिनेमा घरों में जाकर ही पता चलेगा जब आप फिल्म देखेंगे। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जुड़े हैं और जनता के नाम एक संदेश दिया है। क्या दिया है उन्होंने जनता के नाम संदेश, देखिए ये पूरा वीडियो। इस बच्चे को एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेज दो। इस पे फिंगरप्रिंट्स होंगे, मतलब उन्हीं को पता चल जाएगा सर। अगर उसने भी ग्लव्स पहने हुए तो पूजा जितनी सिंपल थी, रीना उतनी स्मार्ट। अब मैं उनको जानता था, लेकिन आयशा को साथ मैंने खून नहीं किया। को मैंने शुरू किया और खत्म भी मैं ही करूंगा। अपना काम ढंग से क्या करो, ऑर्डर्स लिया करो, दिया मत करो। कुछ तो है जो परेशान कर रहा है तुम्हें। मामा मारीच की नगरी में आप भी फंस गए ना सर। हाय, मैं तुषार कपूर बोल रहा हूँ और मैं अपनी अगली फिल्म मारीच में एक इंस्पेक्टर राजीव दीक्षित का किरदार निभा रहा हूँ। ये फिल्म इसी फ्राइडे 9 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और ये फिल्म मेरे लिए बहुत खास है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डेब्यूटेंट ध्रुव लाठर ने। सो प्लीज आप जाकर मेरी अगली फिल्म मारीच को अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम सीरत कपूर है और मैं मारीच फिल्म में रीना का कैरेक्टर निभा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है बिकॉज मेरी बॉलीवुड में डेब्यू हो रही है, तो मैं कम ही बोलूंगी। लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल सी यू एट द थिएटर्स ऑन द 9th of December 2022। फिल्म की जानकारी के लिए देखते रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज। हाय, मेरा नाम शैलशा है और मैं मारीच में लीसा का किरदार निभा रही हूँ। मारीच आपके नजदीकी सिनेमा घरों में इस शुक्रवार को आ जाएगी, जरूर देखिएगा। ये एक थ्रिलर मूवी है जिसमें कई सारे मारीच है और एक इंस्पेक्टर है जो मारीच को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब ये मारीच कौन है, उसे खून क्यों किए है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी में सो नसीरुद्दीन शाह, तुषार कपूर जैसे कई एक्टर्स है। इसे ध्रुव लाठर ने लिखा है, डायरेक्ट किया है। हम सब ने बहुत प्यार और मेहनत से मूवी बनाई है। उम्मीद है कि आप सबको मूवी अच्छी लगेगी। आप लोग जाइए, देखिए, बताइए कि आपको मूवी कैसी लगती है। बाकी जानकारी के लिए देखते रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम है मनवीर सिंह। फिल्म मारीच में मैंने जेमी का किरदार निभाया है। इस फिल्म के निर्देशक हैं ध्रुव लाठेर। 9 दिसंबर को यह फिल्म आपके पास के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। गुजारिश है सभी से कि आप जाके अपने पूरे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस फिल्म को देखें। सभी दिग्गज कलाकारों ने इस फिल्म में बड़ी मेहनत से और बड़ी शिद्दत से अपने किरदारों को निभाया है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपको ये फिल्म देखने में बहुत मजा आएगा और आप अंत तक बता नहीं पाएंगे कि इस फिल्म में मारीच कौन है। उम्मीद करते हैं हमारी मेहनत को आप अपना पूरा प्यार देंगे, ये फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। आने वाले 2023 की मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और फिर से गुजारिश करता हूँ हमारा भी न्यू ईयर हैप्पी कर दो। प्लीज हमारी फिल्म को हिट करवा दो। जाइए 9 दिसंबर को इस फिल्म को जरूर देखिए और इस फिल्म से जुड़ी और जानकारी देखने के लिए देखते रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव लाठेर है, मैं आपके शहर करनाल से हूँ। इस शुक्रवार को मेरी फिल्म मारीच सिनेमाघरों में आ रही है, जिसे मैंने खुद डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नसीरुद्दीन शाह, तुषार कपूर, नीता सरनानी, राहुल देव जैसे अभिनेता हैं और कई युवा कलाकारों को भी मौका दिया गया है।
इस फिल्म में कड़ी मेहनत से हमने इतनी मेहनत से फिल्म को हमने रिलीज किया है अभी और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। इस फिल्म में थ्रिल, रोमांस, एक्शन, मसाला सब कुछ है जो कि बॉलीवुड फिल्म में होना चाहिए। करनाल में मेरी सारे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं और मैं चाहता हूँ कि करनाल के सभी लोग इस फिल्म को देखें और मुझे बताएं कि उनको कैसी लगी। और बाकी न्यूज़ के लिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ को फॉलो कीजिए। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है करनाल के ही लेखक और डायरेक्टर ध्रुव लाठर ने और इस फिल्म में कलाकार के तौर पर नसीरुद्दीन शाह, तुषार कपूर, सीरत कपूर, आकाश दहिया, राहुल देव, दीपनीता शर्मा, चेलशाह गोसाई जैसे बेहतरीन कलाकार हैं। लक्ष्मी फिल्म के बाद तुषार कपूर प्रोडक्शन हाउस की ये दूसरी फिल्म है, तो जाइए 9 दिसंबर को देखिए मारीच और पता लगाइए कि असल में आखिर कौन है मारीच। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ